बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। विकिपीडिया टीवी के मोहतरम अजीज दोस्तों, अस्सलामुअलैकुम। मोहतरम नाजरीन, आज हम आपके सामने पेश करने जा रहे हैं हजरत शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह का वाकया। उनका आस्ताना आलिया पाकिस्तान के सूबा सिंध में मौजूद है। ये वाकया है हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह और एक मदारी का, जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। एक मर्तबा हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह कहीं तशरीफ ले जा रहे थे कि अचानक आपको रास्ते में एक बंदर नचाने वाला मदारी दिखा, जो के खेल तमाशे दिखाता था। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसके करीब गए और आपने उससे पूछा, तुम कौन हो? तो वो कहने लगा, मैं कलंदर हूँ। उस जमाने में तमाशा दिखाने वाले को कलंदर कहते थे। हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह उसका ये जवाब सुनकर मुस्कुरा उठे और आपको मुस्कुराता देखकर उस मदारी को ये बात पसंद ना आई कि आप उसकी बात सुनकर मुस्कुरा उठे हैं। वो आपसे पूछ बैठा कि आप कौन हो? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, मैं भी कलंदर हूँ। वो मदारी बड़ा हैरान हुआ और वो कहने लगा, आपके पास तो ना कोई बंदर है ना कोई डुगडुगी, आप तमाशा कैसे दिखाते हैं? तो हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, पहले तुम अपना तमाशा दिखाओ, उसके बाद हम अपना तमाशा दिखाएंगे। आपका ये फरमान सुनकर उस मदारी ने अपनी डुगडुगी उठाई और डुगडुगी बजाने लगा। उसकी डुगडुगी की आवाज सुनकर बंदर नाचने लगा। उसके बाद उस मदारी ने कहा कि आप दिखाइए, आप कौन सा तमाशा दिखाते हैं? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने जब उसकी ये बात सुनी तो वो दो पेड़ों के ऊपर खड़े हो गए और उस मदारी से कहा, तुम नीचे से गुजर जाओ, मगर याद रखना आगे जाकर वापस कभी मत पलटना। जब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी आप रहमतुल्लाह अलैह के नीचे से गुजरा तो नजारा ही बदल चुका था। वो सूरज की धूप ना वो गर्दो गुबार, सामने खूबसूरत पहाड़, सब्ज वादियां, मौसम ठंडा ना गर्म। अभी वो मदारी इसी सोच में था कि उसने सामने देखा एक बहुत बड़ा लश्कर घोड़े पर सवार होकर उसकी तरफ आ रहा है। उसने लश्कर को देखकर सोचा कि आज तो जान गई। लश्कर उसके पास आ पहुंचा, उसमें से सिपा सलार बाहर निकला और वो मदारी कुछ कहता ही उससे पहले सिपा सलार ने कहा, बादशाह सलामत, आप कहाँ गायब हो गए थे? हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं। आपकी सल्तनत आपका इंतजार कर रही है और मलका का हाल रो रो कर बुरा हो चुका है, आप हमारे साथ चलिए। अब वो तमाशा दिखाने वाला मदारी घोड़े पर सवार होकर उनके साथ चल दिया। जब वो महल पहुंचा तो आलीशान महल देखकर हैरान हो गया और वो हैरानी से महल को देखने लगा और जैसे ही अंदर पहुंचा तो खूबसूरत मलका उससे गिला शिकवा करने लगी और उसके गले लग गई और कहने लगी, कहाँ रह गए थे? मैं कितनी परेशान थी आपके लिए, यहाँ सल्तनत के सारे लोग आपके लिए परेशान थे। उस मदारी की हैरानी का पता ना था, वो हैरान था कि सब क्या हो रहा है, ये खूबसूरत वादियाँ, ये खूबसूरत महल, ये खूबसूरत मलका किसकी है और ये सब लोग मुझे अपना क्यों समझ रहे हैं? उसके बाद वो तमाशा दिखाने वाला मदारी सब कुछ भूलकर नहा धोकर शाही लिबास पहनकर तख्त पर बैठ गया। उसके बाद वक्त गुजरता गया, बच्चे हो गए, शहजादे बड़े भी हो गए, बुढ़ापा आ गया, जिस्म से जान मुंह से जायका चला गया, यानी वो इंसान बुढ़ापे की हद तक पहुंच चुका था। एक दिन वही शख्स दरिया के किनारे बैठा हुआ सोच रहा था कि आखिर मेरे साथ हुआ क्या था। उसी जस्तजू में वो वहीं जा पहुंचा जहां से वो उस दरख्त के पास से गुजरा था। उस शख्स ने देखा कि वो दरख्त आज भी मौजूद है। उस शख्स को ख्याल आया कि चलो देखते हैं, उस दरख्त के पास ही जाकर देखते हैं आखिर मेरे साथ क्या हुआ था। वो शख्स जैसे ही उन दरख्तों के नीचे से गुजरा तो सारा का सारा माहौल फिर बदल गया। जो गुजरा हुआ वक्त था वो फिर से बदल गया और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंच गया। उसकी हालत जो बुढ़ापे की थी वो फिर से बदल गई और वो सल्तनत, वो मलका, वो शहजादे सब पीछे छूट गए और वो वापस अपने बंदर और हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। उसी वक्त वही मुकाम, सामने उसका बंदर, वही डुगडुगी, वही धूप और वही गर्दोगुबार, पीछे हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह
वाले खड़े हैं। उसे ऐसे लगा कि वो कोई ख्वाब देख रहा था, लेकिन जो उसके साथ हुआ वो भी हकीकत थी। वो हैरान था कि सब क्या हो गया। उस शख्स ने जैसे ही हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह को देखा तो वो शख्स उनसे पूछने लगा, मेरी सल्तनत, मेरी मलिका, मेरे शहजादे कहाँ गए? हजरत लाल शहबाज कलंदर रहमतुल्लाह अलैह ने मुस्कुरा कर फरमाया, सब तमाशा था। एक तमाशा आपने मुझे दिखाया और एक तमाशा मैंने तुमको दिखाया। सुभानअल्लाह।